तो गाइज आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Realme Narzo 30 Pro को उसी के बड़े भाई Realme X7 के साथ। तो गाइज दोनों ही मोबाइल Realme की तरफ से अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुए हैं। Realme Narzo 30 Pro भी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और Realme X7 को लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, 20-25 दिन का। लेकिन दोनों ही मोबाइल दोस्तों 5G है और दोनों ही मोबाइल में काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल के मैं सभी स्पेसिफिकेशन को दोस्तों एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इन दोनों मोबाइल में से किसी एक मोबाइल को खरीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देख लेना ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि कौन से मोबाइल पर आपको अपने पैसे खर्च करने हैं। तो वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, और साथ ही ऐसे ही और भी वीडियोज आगे फ्यूचर में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दोनों मोबाइल के बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें Realme Narzo 30 Pro की तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कोई भी ग्लास आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है और ओवरऑल दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले में आपको कौन सा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है वो यहाँ पर Realme ने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों आपको Gorilla Glass 3 का सपोर्ट दोस्तों डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर Realme X7 की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बैक आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैट फिनिश के साथ दोस्तों ये प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है जो कि Realme Narzo 30 Pro से आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 179 ग्राम्स का वेट है तो दोस्तों बिल्कुल ही हैवी नहीं है फोन, लेकिन यहाँ पर Realme Narzo 30 Pro जो है वो दोस्तों स्लाइटली यहाँ पर आपको हैवी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी के मामले में दोनों ही मोबाइल अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक को पसंद करना होगा तो वो होगा दोस्तों Realme X7। पोर्ट्स एंड बटन्स की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर Narzo 30 Pro में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन देखने को मिलता है, राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है और उसी के अंदर दोस्तों आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिलता है और सिम कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जो कि एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, इसका मतलब यहाँ पर आप स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर पाएंगे। और वहीं अगर Realme X7 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये फीचर्स नहीं देना मतलब दोस्तों डील ब्रेकर हो सकता है यहाँ पर। और वहीं यहाँ पर आपको राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन से और सिम कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, इसका मतलब यहाँ पर आप दोनों ही सिम यूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे अलग से मेमोरी कार्ड लगाकर, जबकि Realme Narzo 30 Pro में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो पोर्ट्स एंड बटन्स के मामले में दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर Narzo 30 Pro विनर देखने को मिल जाता है, क्योंकि Realme X7 में आपको एक तो दोस्तों 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, ऊपर से यहाँ पर आपको स्टोरेज एक्सपेंड करने का भी कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो Narzo 30 Pro में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेशर दोस्तों देखने को मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले में आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन अभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि Realme ने दोस्तों कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि कौन सा प्रोटेक्शन आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है, लेकिन मैं भी यहां पर दोस्तों आपको Gorilla Glass 3 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 600 nits का पीक ब्राइटनेस दोस्तों आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले दोस्तों काफी ब्राइट है, इंडोर और आउटडोर में दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम इस डिस्प्ले के साथ नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर Realme X7 की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट रिफ्रेशर दोस्तों देखने को नहीं मिलता है, ये स्क्रीन जो है वो ओनली 60 हर्ट्ज का नॉर्मल डिस्प्ले यहाँ पर है, और यहाँ पर साथ में आपको 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये डिस्प्ले भी दोस्तों 600 nits के पीक ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी दोस्तों Realme ने कोई भी मेंशन नहीं किया है कि कौन सा प्रोटेक्शन आपको इस डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। तो मैं भी दोस्तों दोनों ही मोबाइल में शायद आपको Gorilla Glass 3 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकेशन की दोस्तों अगर बात करें तो Narzo 30 Pro में आपको Dimensity 800U वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है
जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जिसका एंटूटू स्कोर 3,40,000 प्लस आपको देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल में दोस्तों आपको दो वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, 6GB 64GB और 8GB 128GB। LPDDR4X रैम है और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिल जाता है। वहीं Realme X7 में देखें तो यहाँ पर भी आपको Dimensity 800U वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों में ही सेम प्रोसेसर आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है, तो दोनों के जो परफॉर्मेंस है वो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सेम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 3,40,000 प्लस एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है, कभी कभी दोस्तों यहाँ पर इससे कम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB 128GB और 8GB 128GB। यहाँ पर भी LPDDR4X रैम है और UFS 2.1 स्टोरेज है। बैटरी परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर बात करें तो नार्जो 30 प्रो में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ में 30 वोट का डार्ट चार्जर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है, जो कि करीब 65 मिनट में आपको आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर देता है। और वहीं अगर दोस्तों Realme X7 की बात करें तो यहां पर आपको 4,310 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन साथ में आपको 50 वोट यानी कि 50 वोट का फास्ट चार्जिंग दोस्तों देखने को मिल जाता है, जो कि करीब 50 मिनट में ही आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में वैसे तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर नार्जो 30 प्रो में आपको बैटरी बड़ी मिल रही है और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो बैटरी परफॉर्मेंस में दोस्तों दोनों ही मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में। तो नार्जो 30 प्रो में यहाँ पर आपको Dimensity 800U वाला 5G प्रोसेसर दोस्तों देखने को मिल जाता है, जिसका एंटूटू स्कोर 3,40,000 प्लस देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों हाई सेटिंग पर गेमिंग कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी गेमिंग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों आपको Realme Narzo 30 Pro में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और वहीं यहाँ पर Realme X7 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको Dimensity 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी सेम एंटूटू स्कोर आपको देखने को मिलता है, कभी कभी कम होता है और कभी कभी ज़्यादा भी दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर भी आप हाई सेटिंग के साथ गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन ये जो डिस्प्ले है वो गाइस एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दोस्तों दोनों में हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल दोनों का ही परफॉर्मेंस दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। कैमरा की दोस्तों अगर बात करें तो नार्जो 30 प्रो में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फ्रंट साइड में आपको देखने को मिल जाता है। वहीं Realme X7 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लेकिन ये जो गाइज यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो गाइज यहाँ पर आपको सोनी IMX471 वाले सेंसर के साथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप फोटोज़ काफ़ी अच्छी दोस्तों खींच पाएंगे। और कैमरा के मामले में दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर Realme X7 में काफ़ी अच्छे आपको फोटोज़ देखने को मिल जाते हैं Realme Narzo 30 Pro के कंपेरिजन में। वैसे Narzo 30 Pro में भी आपको काफ़ी अच्छे फोटोज़ और काफ़ी अच्छा कैमरा दोस्तों देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप इन दोनों मोबाइल के कैमरे को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और ऐसे YouTube पर आप वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको Realme X7 का जो कैमरा है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है Narzo 30 Pro के कंपैरिजन में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो दोनों ही मोबाइल में आपको वीडियो शूटिंग करने के सेम ऑप्शन दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। तो बैक साइड के कैमरे से दोनों ही मोबाइल में आप 4K 30fps और 1080p में 60fps तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं फ्रंट कैमरे में दोस्तों आप 1080p में 30fps तक दोनों ही मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर पाएंगे। कनेक्टिविटी की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो Narzo 30 Pro में आपको ड्यूल 5G सिम का ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा ड्यूल 4G वोल्ट का भी दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो दोनों ही 4G और दोनों ही 5G सिम भी आप दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.1 है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है और वाईफाई कॉलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं Realme X7 की बात करें तो यहाँ पर भी ड्यूल 5G सिम, ड्यूल 4G वोल्ट दोनों ही आपको देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 है, इसके अलावा वाईफाई कॉलिंग वगैरह काफी सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन आपको दोनों ही मोबाइल में देखने को मिल जाते हैं।
चलिए साथ ही साथ में यहाँ पर 5G बैंड्स के सपोर्ट की भी बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर जो Realme Narzo 30 Pro है वो यहाँ पर 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो Realme X7 है वो केवल 4 बैंड्स को ही दोस्तों सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो चारों 5G बैंड्स है वो दोस्तों Realme का कहना है कि काफी पॉपुलर 5G बैंड्स में से एक है, तो यहाँ पर आगे जाकर दोस्तों फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी बैंड के साथ दोस्तों अगर 5G इंडिया में आता है तो। दोनों ही मोबाइल यहाँ पर फ्यूचर प्रूफ है, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर मल्टीमीडिया की बात करें तो Narzo 30 Pro में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, सिंगल स्पीकर्स यहाँ पर है, लेकिन उसकी क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं Realme X7 की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, यहाँ पर भी आपको सिंगल स्पीकर्स ही दोस्तों देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो गाइस आपको Realme X7 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर जो कलर्स और व्यूइंग एंगल्स जो है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सेंसर्स की दोस्तों अगर बात करें तो दोनों ही मोबाइल में सभी सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। Narzo 30 Pro में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, इसके अलावा फेस अनलॉक यहाँ पर है, और सभी सेंसर आपको दोस्तों इस मोबाइल में देखने को मिल जाते हैं। Realme X7 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक है, और सभी सेंसर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। OS और UI की दोस्तों अगर बात करें तो दोनों ही मोबाइल Realme UI 1.0 के साथ यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि Android 10 पर बेस्ड है। तो दोनों में से किसी भी मोबाइल में आपको Android 11 और Realme UI 2.0 देखने को नहीं मिलता है। अदर फीचर्स की दोस्तों अगर बात करें तो दोनों ही मोबाइल में कैमरा टू API का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो GKM यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा वाइड बैंड L1 का भी सपोर्ट दोस्तों दोनों ही मोबाइल में आपको देखने को मिल जाता है। एट द एंड वर्डिक्ट की दोस्तों अगर बात करें तो Narzo 30 Pro में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB 64GB जिसका प्राइस है 16,999 रुपये, और 8GB 128GB जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। वहीं Realme X7 में भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB 128GB जिसका प्राइस है 19,999 रुपये, और 8GB 128GB जिसका प्राइस है 21,999 रुपये। तो यहाँ पर प्राइस में दोस्तों आपको 2-3 हज़ार का फर्क देखने को मिलता है, उस हिसाब से आपको दोस्तों स्पेसिफिकेशन में भी फर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर Realme X7 में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जबकि वहाँ पर आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ LCD डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपकी पसंद आती है कि आपको सुपर एमोलेड पैनल चाहिए या फिर 120Hz वाली IPS LCD डिस्प्ले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर Realme X7 का कैमरा भी आपको Narzo 30 Pro से बेहतर देखने को मिल जाता है, और बाकी जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो गाइस यहां पर आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा लगा है, और अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। खैर उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और साथ ही ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।